बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, ये जमालदीन वाली का इलाका है, सादिकाबाद में, JDW शुगर मिल सुनी होगी जहांगीर तरीन की। और यहाँ हम आए हैं देखने, वो जो लास्ट वीडियो में आपको बकरा दिखाया है शेरा हुतल नस्ल में, उसके यहाँ बच्चे हैं। तो वैसे तो इनके पास मिक्सी बकरी हैं, लेकिन रिजल्ट का आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले तो देखें जी, इस इलाके में पानी बहुत अच्छा, नीचे का ना बहुत अच्छा पानी है। तो ये सारा इधर जंतर ही जंतर है जहाँ तक आगे नज़र जा रही है। एक पट एकलौती ऐशेरिया हा ना बबर कट के भी पट। लाल बकरी चो है, सही। अच्छा जी, एक ये पट है उसकी। असल में हमने देखना है शेरा प्रिंट कैसा है। ये जी उसकी बच्ची है। पट्ठा की मां केड़ी कड़ी है, मामा है नहीं थे। लाल चुने। अच्छा, एस पट दी है माए। नहीं जी, ये प्रिंट है, ये देखना था कि प्रिंट किस तरह का दे रहा है। प्रिंट खूबसूरत आया, ये भी तीनों पट्ठे प्रिंट अच्छे आए हैं। बीच में दो तीन पट्ठे जो हैं इसकी, वो माएँ अपने कलर पे भी ले गई हैं, यानी लाल या काली। ये भी सारी रही मेरे खा बीतल नसल के पट्ठे। वो पै गया, बच गए। बकरी मरे दी है ना, छेले का काम ही नहीं। अच्छा, होर कड़ियाँ कड़ियाँ रखियाँ बच्चे। ऐ चिट्टी बकरी तो नहीं क्रॉस लिया, उदा चिट्टा छोड़ दियो। केड़ी सही हो गया। चलो जी, ये भी रिजल्ट आएगा तो शेरा ही, ये चुना पक्का शेरा आएगा। शायद प्रिंट आ जाए, डब च आ जाए, लेकिन शेरा जरूर आएगा। एक पाल से शेरा लाजमी दे दे। अच्छा, दो पाल होने के शेरा ट्राई जीते ने। अच्छा, अक्सर ट्राई मार जंदे ने। ये देखदा नहीं, ये पट खड़ी ऊपर उखड़ी। ये ही बकरी देनी ट्राई पाला, इस बकरी दे। हुन इस बकरी दे तीन पाल देने बनदे ने ना। बकरी तो माशाल्लाह। ये जी इस बकरी के पट तीन बच्चे कहते थे, दूसरी ये है नरसी, वो भी काला। माशाल्लाह जी, ये जी इनकी रोजी रोटी है, शौक भी है। अच्छा, ये बड़ा मसला है हमारे ज़िम्मेदारों का ना, ये बड़ा प्रॉब्लम है। इस इलाके में फिर कुछ ना कुछ दरख्त हैं, लेकिन जितना ज़रख़ेज़ इलाका है उस हिसाब से इतने नहीं हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम ये साइड पे जो बन्ने पगटंडियाँ हैं इन पे अगर कुछ दरख्त लगा दें, जो खाले कच्चे आते हैं उन पे लगा दें, तो ये बड़ी मार है हमारे इलाके में। पता नहीं कौन सी फसलें ज़ाया हो जाती हैं इससे, ना परिंदों के लिए जगह, ना खुद उठने बैठने के लिए कोई जगह, ना जानवरों के लिए। अब ये देखें, जानवर छाँव में बैठने के लिए कैसे बेचारे सुकड़ के बैठे हैं। वजह क्या, वो इस किक्कर है तो वो भी ऐसे, क्योंकि किक्कर तो इन्होंने डालना होता है, ये तो वैसे ही इस मजबूरी से लगाते हैं। इसके अलावा कोई छाँव वाला दरख्त नज़र नहीं आ रहा सिवाय किक्कर के, ये इन्होंने छांग देना होता है। तो ये जो ज़िम्मेदार भाई देख रहे हैं, तो वो लाजमी अपने दरख्त लाजमी लगाएँ ज़मीनों में, इसको आप सदका जारिया समझ के लगा दें।
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह, इसे बरकत ही होगी और फ़ायदेमंद भी है दरख्त लगाना। चलें जी, ये आपको दिखाना था, ख़ुद भी देखना था, साथ साथ वीडियो भी बना दी। ऐसे फॉर्मल सी वीडियो है, फॉर्मल कह रहा हूँ, कैजुअल सी वीडियो है। तो इसमें इन्होंने मिक्सर रखा हुआ है, बीच में काटू माल भी है, बीच में ये बीतल की अच्छी बकरियाँ भी हैं, एवरेज भी हैं, कुछ इसमें भेड़ें भी हैं। ये देसी पेड़ा है ना, देसी सी भेड़ें हैं कुछ। तो ये इन भाई का माल है जिनसे हम बकरा देखने हैं। तो ठीक है जी, अपना अपने गिरदोनवासब का ख्याल रखें, दरख्त लाजमी लगाएँ। अल्लाह हाफिज़ जी।